देश ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए बुधवार को अपना नाम अंतरिक्ष महासिद्धि स्पेस पावर के रूप में दर्ज करा दिया है। अब तक दुनिया के 3 देश अमेरिका, रूस और चीन को यह उपलब्धि हासिल थी। भारत चौथा देश है जिसने यह सिद्धि हासिल की। जिसकी जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत का मिशन कामयाब हुआ। भारत ने अंतरिक्ष में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने एक कुलीन अंतरिक्ष शक्ति के रूप में अपना नाम दर्ज किया है। हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में 300 किलोमीटर दूर LEO लोअर अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया। ये लाइव सैटेलाइट जो कि एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य था, उसे एंटी सैटेलाइट मिसाइल ASAT द्वारा मार गिराया गया है। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ने 30 सेकंड में सैटेलाइट को मार गिराया है। मोदी ने कहा कि इसके लिए मिशन शक्ति के वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं। मोदी ने कहा कि मिशन शक्ति 3 मिनट में कामयाब हो गया। पीएम ने कहा कि हमने इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय मिशन को नहीं तोड़ा। पीएम मोदी ने जानकारी दी कि 300 किलोमीटर दूरी से लाइव सैटेलाइट को मार गिराया गया है। पीएम ने कहा कि परीक्षण किसी संधि का उल्लंघन नहीं करता। मिशन शक्ति अपने सुरक्षा का एक कदम है। देश को मिली इस सफलता पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ल, क्षेत्रीय मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर PK मल, बीजेपी युवा मोर्चा के महानगर मंत्री दुर्गेश बजाज ने सफल परीक्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसरो के वैज्ञानिकों और देशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। निश्चित तौर के पर आज देश में LEO के द्वारा सैटेलाइट पर जो 3 मिनट में परीक्षण किया गया, इसकी सफलता के लिए देश के माननीय वैज्ञानिकों एवं देश के सशक्त प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज जो कार्य हुआ, इसके लिए मैं देश के सभी लोगों को बधाई देता हूं। वास्तविकता में आज देश इस उपग्रह के जो कार्य हुआ है, विश्व में चौथे स्थान पर पहुंचा है। इसके लिए हम सभी भारतवासियों के हृदय में एक बड़ा स्थान बना है। निश्चित तौर पे जब देश का सशक्त प्रधानमंत्री होगा तो निश्चित तौर पे रोज नई नई ऐसी व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी। इसलिए हम संपूर्ण देशवासियों को तरफ से वैज्ञानिकों एवं प्रधानमंत्री जी को हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं इस सफल कार्यक्रम के लिए। DRDO और इसरो के संयुक्त तत्वाधान में जो भारत को विश्व स्तर की सामरिक महाशक्ति बनने का अवसर मिला है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का ये परिणाम है कि हमारे पास संसाधन हैं, लेकिन उन संसाधनों को एकजुट करके और इसको मूर्त रूप देने का कार्य माननीय मोदी जी ने किया है। हमारे पास वो तकनीकी है और हमारे पास ऐसे लोग हैं, ऐसे इंजीनियर हैं जो ये सब कार्य को कर सकते हैं, और ये मार्गदर्शन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। मैं माननीय मोदी जी को इसका दिल की गहराई से आभार हिंदवानी की तरफ से करता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सशक्त हो रहा है। आज अंतरिक्ष यान के नाते भारत दुनिया में चौथी महाशक्ति बना है। अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत का चौथा स्थान आया है। देश के नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई। मोदी जी के नेतृत्व में भारत और शक्तिशाली हो रहा है। ये भारत एक महत्वपूर्ण उपलब्धता प्राप्त किया है अमेरिका, रूस और चीन के बाद। भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी एक शक्तिशाली ताकत के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया है। इसके लिए भारत के वैज्ञानिकों को और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, और संपूर्ण देशवासियों को इस पर गर्व है कि आज दुनिया एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी खड़े हुए। इसके लिए वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई। इससे भारत का गौरव बढ़ा है और पूरे विश्व में भारत चौथे स्थान पर आ गया है, जहां से हम अंतरिक्ष में प्रवेश किए हैं और LEO पर पूरी तौर पर के सफलता प्राप्त कर लिए हैं। यह मैं समझता हूं कि आज सभी भारतवासियों के लिए उत्सव का दिन है। इसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और वैज्ञानिकों के नेतृत्व में हमने किया है।